हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल सचिन एजुकेशन हब पर। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि टैक्स इवेजन, टैक्स प्लानिंग एंड टैक्स अवॉइडेंस, इन तीन टॉपिक्स के बीच में आपस में क्या रिलेशन है, या सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इनमें क्या डिफरेंशिएशन है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब आप टैक्सेशन करते हो या कोई भी टैक्स का टॉपिक पढ़ रहे हो या टैक्स का सब्जेक्ट कर रहे हो, तो ये टॉपिक आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जिनके बारे में आपको समझ के आगे जाना है। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि इन तीनों का मतलब क्या है। तो सबसे पहले आता है टैक्स इवेजन क्या होता है। टैक्स इवेजन है कि इललीगली नॉट पेइंग द टैक्स और बाय अंडर रिपोर्टिंग द इनकम और हाइडिंग द एसेट्स। ये तो एक ऐसा इलीगल टास्क है जिसमें हम अपनी या तो इनकम नहीं शो करते हैं, ठीक है, जिसके ऊपर हमें टैक्स ना देना पड़े, या फिर हमारे पास जो एसेट्स पड़ी होती हैं उनको हाइड कर देते हैं, ठीक है। तो आप कुल मिला के ये मानो कि टैक्स इवेजन एक तरह से ऐसा इलीगल काम है जिसमें हम टैक्स ना ही देना पड़े, हमारी यही कोशिश रहती है। ये हमारा डेलिब्रेट एक्ट होता है जिसमें हम डिसेप्शंस करते हैं, लाइक हमने अपने इनकम को छुपा लिया, हमने फॉल्स रिकॉर्ड्स बना लिए, हमने फेक डिडक्शंस ले ली। तो ये जो काम हम कर रहे हैं, दैट इज़ अंडर द पार्ट ऑफ टैक्स इवेजन। बट अगर हम बात करें टैक्स प्लानिंग की, तो टैक्स प्लानिंग क्या है? टैक्स प्लानिंग का मतलब है लीगली मिनिमाइजिंग द टैक्स लाइबिलिटी थ्रू स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल प्लानिंग। आपने फाइनेंशियल प्लानिंग करी है स्ट्रेटेजिकली, ये सोचने के लिए कि आप किन किन चीज़ों का इस्तेमाल करके या किन किन चीज़ों में पैसा लगा के अपने टैक्स को कम कर सकते हो। तो प्लानिंग के जरिए आप अपने टैक्स को कम करने के बारे में सोच रहे हो, ना कि लूप होल का फायदा उठाकर। बहुत ध्यान से सुनना ये वर्ड। क्या मतलब है कि आप लीगली अपनी टैक्स लायबिलिटी को मिनिमाइज करने की कोशिश कर रहे हो थ्रू प्लानिंग, नॉट बाय लूप होल्स, ठीक है। तो वो जो लीगल मींस के जरिए आप कोई ऐसा मतलब फायदा उठाकर अपने टैक्स को कम करने की कोशिश कर रहे हो, तो वो क्या है? दैट इज टैक्स प्लानिंग, जिसमें हमारा मेन पर्पस होता है कि हम कहीं ना कहीं डिडक्शंस लेकर, कहीं ना कहीं एग्जेम्पशंस लेकर, इन चीज़ों का फ़ायदा उठाकर अपनी टैक्स लायबिलिटी को कम कर सकते हैं। ये प्लानिंग होती है, इसमें हम लूपहोल्स का फ़ायदा नहीं उठाते, बल्कि प्लान करके ये सोचते हैं कि कौन से डिडक्शन से हमारी टैक्स लायबिलिटी कम होगी, कौन सी एग्जेम्पशंस के जरिए हमारी टैक्स लायबिलिटी हमारी कम हो पाएगी। लेकिन अगर हम थर्ड पॉइंट पे आ जाएं, दैट इज़ टैक्स अवॉइडेंस, तो इसमें जो मैंने वर्ड कहा था लूप होल, वो आ जाएगा। होता ये भी लीगल है, ध्यान से सुनना, टैक्स इवेजन इज इलीगल, टैक्स प्लानिंग एंड टैक्स अवॉइडेंस इज लीगल। तो अब टैक्स अवॉइडेंस क्या है? ये भी एक ऐसा लीगल एक्ट है जो हम करते हैं अपनी टैक्स लायबिलिटी को कम करने के लिए। पर याद रखना, ये किसी लिमिट तक लीगल है। क्यों? क्योंकि इसमें हम लूपहोल्स का फायदा उठाकर कहीं ना कहीं अपने टैक्स लायबिलिटी को कम करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि देखो, इसका मतलब क्या निकल के आता है कि कई बार लूपहोल क्या होते हैं सर? जैसे टैक्स में कोई लाइन लिख के दे दी आपको कि लेटर से कि आप अगर आपके पास आप मतलब आप आपको इतनी सैलरी मिली है, जो भी कह लो, इन शॉर्ट एग्जाम्पल के तौर पर कि टैक्स इंसेंटिव्स आपको कहीं पर नजर आए, या फिर आप कह लो कि लाइन लिखी है टैक्स के अंदर कोई जिसमें आपको ये बताया गया कि आपने ऐसा करना है या ऐसा नहीं करना है। ये जो लाइन है ना, जो मैं कहने वाला हूँ, इसमें क्या मतलब निकल के आता है कि आपने कहीं ना कहीं इलीगल तरीके से नहीं, बल्कि लीगल तरीके से उस लूप होल को देखा और उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करी कि सरकार ने ये लाइन तो लिख दी पर ये लाइन नहीं लिखी, तो मैं जो उन्होंने नहीं लिखा मैं उस तरीके से अगर इन्वेस्टमेंट कर दूंगा तो मैं टैक्स से बच सकता हूं। बहुत ध्यान से समझना कि अगर सरकार ने हमें ये कहा कि आपने ये करना है, पर वो ये लिखना भूल गए कि आपने ये काम करना है पर ऐसे नहीं करना है, तो हमने उस चीज़ को पकड़ लिया। लाइन में, स्क्रिप्टेड चीज़ में अगर सरकार ने कोई चीज़ हमें बताना भूल गए, तो उस ना बताने वाली चीज़ का फ़ायदा उठाकर हमने उसका फ़ायदा लिया, तो वो होता है एक तरीके से टैक्स अवॉइडेंस, यानी लूप होल का बेनिफिट उठाकर अपनी टैक्स लायबिलिटी को कम करने की कोशिश करना। आई होप आपको अब समझ में आया होगा। इसको और डीपली समझने के लिए क्या मतलब निकल के आता है कि सर, जो चीज़ सरकार लिखना भूल गई थी,
या सरकार ने जो चीज लिखी है उस चीज को, लिखी हुई चीज को समझकर उसमें क्या लूप होल दिख रहा है, उस लूप होल को ढूंढकर उसका फायदा उठाकर अपनी टैक्स लायबिलिटी को कम करना, ठीक है, दैट इज कॉल्ड टैक्स अवॉइडेंस। आई होप अब ये क्लियर हो गया होगा। अब और डीपली इसको समझने के लिए कुछ और पॉइंट्स हैं, जैसे कि एग्जाम्पल्स जो मैंने अभी आपको दे भी दिए साथ साथ, कि अगर टैक्स इवेजन की बात करोगे तो उसमें हम इनकम को फॉल्सली शो करते हैं, अपनी एसेट्स को हाइड कर देते हैं, या फिर कैश ट्रांजेक्शन्स को रिपोर्ट करना भूल जाते हैं। अगर हम बात करें टैक्स प्लानिंग की, तो अभी मैंने एग्जाम्पल दिया कि उसमें हम एग्जेम्पशंस क्लेम करके, डिडक्शंस क्लेम करके, या कोई ना कोई क्रेडिट्स लेकर अपने लायबिलिटी को कम कर सकते हैं। और लास्ट वन आता है टैक्स अवॉइडेंस, उसमें कहीं ना कहीं हम लूप होल्स का फ़ायदा लेते हैं, या फिर कह लो टैक्स इंसेंटिव्स का फ़ायदा लेते हैं, या फिर जानबूझकर हम कुछ ऐसी कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस कर देते हैं जिसमें हमें लगता है कि जो चीज़, मतलब सरकार को ऐसा लगता है कि जो चीज़ ये करी गई है इसमें कुछ गलत नहीं है, मतलब कुछ ऐसी फाइनेंशियल कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन में जुड़ जाना जिसमें ये देखना या पहचानना मुश्किल हो जाए कि जो काम किया गया है उसमें कुछ गलत भी हो सकता है, ठीक है, तो दैट इज कंसीडर टू बी अ पार्ट ऑफ टैक्स अवॉइडेंस, सबसे इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट आपके पास आता है कि लीगल, अब ये लीगल कौन है, लीगल नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है टैक्स इवेजन इलीगल चीज है और टैक्स प्लानिंग और अवॉइडेंस लीगल चीजें हैं, लेकिन मैं अभी बता चुका हूं कि लीगल किसी लेवल तक है टैक्स अवॉइडेंस, लेकिन अगर हमने लूप होल का गलत फायदा उठाया तो फिर वो कहीं ना कहीं कॉन्ट्रोवर्जियल बन जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है इंटेंट, इंटेंट के बेस पे अगर हम बात करें तो ऑब्वियस ही बात है जो टैक्स इवेजन है उसके अंदर विलफुल वॉयलेशन की जाती है, मतलब हमारी खुद की इच्छा होती है कि हमने टैक्स लॉ को तोड़कर ये काम करा है, तो विलफुल वॉयलेशन हो गई वहां पे, सोची समझी टैक्स की टैक्स लॉ को तोड़ना, राइट, सोच समझ के। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें टैक्स प्लानिंग की, तो उसमें क्या होता है, इंटेंशनल ही काम होता है, उसमें भी इंटेंशनल काम होता है, उसमें भी सोच समझ के ही काम किया जाता है, पर उसमें टैक्स लॉस को तोड़ा नहीं जाता या उसका इलीगल फायदा नहीं उठाया जाता, उसमें लीगल बेस से टैक्स को रिड्यूस करने के बारे में सोचा जाता है, यानी टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस करने के बारे में सोचा जाता है बाय लीगल मींस, कि कुछ लीगल तरीकों के जरिए हम अपने टैक्स लायबिलिटी को कैसे कम कर सकते हैं उसके बारे में सोचना। सिमिलरली टैक्स अवॉइडेंस में होता है, पर उसमें लीगल मींस के साथ साथ कुछ अग्रेसिव स्ट्रेटेजीज का भी इस्तेमाल किया जाता है। मैंने अभी बताया ना, उसमें कुछ अग्रेसिव स्ट्रेटेजीज भी देखी जाती हैं, मतलब उसमें हम स्ट्रेटेजीज बनाकर ये देखते हैं कि वो लाइन में क्या गलती कर बैठे हैं टैक्स वाले, कि हम उनका फायदा, यानी उस लूप होल का फायदा उठा के उनको ये बता सकें कि हमने इस चीज का बेनिफिट लेना है, ठीक है, दैट इज अ टैक्स अवॉइडेंस। इसके बाद आती है पेनल्टी, तो ऑब्वियस ही बात है इवेजन बहुत गलत इलीगल वे है, तो इलीगल वे या इलीगल थिंग अगर आप करोगे तो आपको पेनल्टी लगेगी, आपको क्रिमिनल चार्जेस पे करने पड़ेंगे, आपको फाइन या और इम्प्रीजनमेंट के बेसिस पे भी आगे जा, मतलब आपकी जो पेनल्टी है वो इम्प्रीजनमेंट भी हो सकती है, यानी आपको जेल भी हो सकती है। फाइन तो बहुत ज़्यादा लगेगा, क्रिमिनल चार्जेस भी आपको पे करने पड़ सकते हैं अगर आप कहीं ना कहीं टैक्स इवेजन का पार्ट बनते हो। लेकिन अगर हम टैक्स प्लानिंग की बात करेंगे तो उसमें कोई पेनल्टी नहीं है क्योंकि ये तो है ही लीगल, तो जो लीगल चीज़ें हैं, वाई टू गिव फाइंस इन दिस केस, वाई टू हैव एनी पेनल्टी इन दिस केस, तो देर इज नो पेनल्टी ऑफकोर्स, ठीक है। लेकिन अगर हम टैक्स अवॉइडेंस की बात करें तो क्या ये भी एक पेनल्टी बेस्ड है? सर नहीं, ये भी पेनल्टी बेस्ड नहीं है क्योंकि आफ्टरऑल ये है तो लीगल ही ना। बहुत कम लोग हैं जो लूप होल का गलत फ़ायदा उठाते हैं, पर लूप होल का सही फायदा उठा के अगर आप टैक्स वालों को ये चुनौती देते हो कि देखिए ये लूप होल था, हमने इसका फायदा उठा के अपने लायबिलिटी को कम किया, तो उसमें कोई पेनल्टी नहीं लगेगी, वो लीगल ही है क्योंकि वो टैक्स वालों की गलती थी, वो टैक्स अथॉरिटीज की गलती थी कि वो लूप होल उनकी वजह से रह गया, ठीक है, तो दैट इज अ लीगल थिंग, तो पेनल्टी नहीं लगेगी। नेक्स्ट आपके पास आता है एथिकली कंसिडरेशन कौन सी होती है, तो ऑफकोर्स टैक्स इवेजन है ही इलीगल, तो उसमें सारा काम जो किया जा रहा है वो अनएथिकल है, वो क्या है, अनएथिकल है। पर क्या टैक्स प्लानिंग और अवॉइडेंस एथिकल है? मैं अभी बता चुका हूं कि प्लानिंग तो एथिकल हो जाएगी, आपने इतना समझ लिया, पर टैक्स अवॉइडेंस एथिकल किसी लेवल तक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आफ्टर ऑल आप किसी लूप होल का फायदा उठा रहे हो, तो अगर आपने लूप होल का गलत फायदा उठाया तो वो कहीं ना कहीं
वो एथिकल नहीं रहेगा, वो अनएथिकल के वे में बाहर आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि लूप होल का सही फायदा उठाया तो एथिकल वे है वो, लेकिन अगर लूप होल को गलत तरीके से इस्तेमाल करके टैक्स एडवांटेज ली आपने तो कहीं ना कहीं वो अनएथिकल वे भी माना जाएगा, ठीक है। एंड द लास्ट वन पॉइंट इज गवर्नमेंट व्यू। तो गवर्नमेंट का क्या व्यू रहता है इन तीनों के केसेस में? तो टैक्स इवेजन के लिए तो गवर्नमेंट का व्यू सीधा है, भाई साहब आ जाओ, अगर आपने टैक्स इवेजन में पकड़े गए तो चलते बनो बस, स्ट्रिक्टली कंटेमेंट, स्ट्रिक्टली स्ट्रिक्टली मतलब आपके ऊपर स्ट्रिक्टली एक्शंस लिए जाएंगे, आपको ज़्यादा से ज़्यादा पेनल्टी के बेसिस पे आगे लेकर जाया जाएगा कि जितनी पेनल्टी लगा सकते हो उतनी लगाई है, क्योंकि आफ्टर ऑल आपने कहीं ना कहीं कुछ गवर्नमेंट के बेस पे गलत काम किया है। मतलब गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ जो सोचने, मतलब एक तरीके से कह लो गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ में किस, आपको पता है कि कितनी बड़ी सिक्योरिटी होती है, और उस सिक्योरिटी को ब्रीच करके आपने कोई गलत काम किया है तो उसकी पेनल्टी भी बहुत हार्श आपको लगती है। तो इसीलिए गवर्नमेंट का व्यू रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रिक्टली इस चीज़ को आगे किया जाए ताकि टैक्स इवेजन रोका जा सके। नेक्स्ट है टैक्स प्लानिंग के लिए, आपको पता है कि गवर्नमेंट का व्यू क्या होगा कि इसको और ज़्यादा इंकरेज किया जाए, क्योंकि टैक्स प्लानिंग करके अगर हम फायदा उठाएंगे किसी चीज़ का, टैक्स एडवांटेज लेंगे किसी चीज़ का, तो कहीं ना कहीं डिडक्शन एग्जेम्पशन जो टैक्स वालों ने ही दी है आफ्टर ऑल वो लीगल है, तो लीगल चीज़ों को बढ़ावा देना ही ज़रूरी है ताकि जो गलत चीज़ें हो रही हैं उन चीज़ों की ओर ध्यान ही ना जाए लोगों का, वो टैक्स प्लानिंग के जरिए सीधे सीधे ही अपनी चीज़ों को आगे आकर उसको रिड्यूस करने की कोशिश करें। टैक्स अवॉइडेंस क्या है? तो गवर्नमेंट का व्यू रहता है कि टैक्स अवॉइडेंस जो है वो लीगल है, बट मे बी प्रॉम्प्ट चेंजेस इन टैक्स लॉ, लेकिन उसमें वो ये भी ध्यान रखती है कि अगर टैक्स अवॉइडेंस का कोई वे उठाया गया है, किसी ने एडवांटेज उठाया है टैक्स अवॉइडेंस के जरिए, तो हम उसमें अपने टैक्स लॉजेस को जितना जल्दी चेंज करें, उसमें जितनी जल्दी प्रॉम्प्ट चेंजेस करें वो ज़रूरी होगा, क्योंकि वो लूप होल जितना ज़्यादा बढ़ जाएगा उतना ज़्यादा बाकी लोग भी उस चीज़ का फ़ायदा उठा के टैक्स अवॉइड करने की कोशिश करेंगे। क्लियर है पॉइंट? दिस इज ऑल अबाउट योर थ्री मेन टॉपिक्स, टैक्स इवेजन, टैक्स प्लानिंग एंड टैक्स अवॉइडेंस। आई होप तीनों में आपको डिफरेंस नजर आ गया होगा कि क्या होता है। लूप होल का फायदा उठाओगे तो क्या है सर? लूप होल का फायदा उठाकर अगर हम ये देखेंगे तो दैट इज टैक्स, मतलब टैक्स लाइबिलिटी को कम करेंगे तो टैक्स अवॉइडेंस है वो। अगर हम सीधे सीधे लीगल तरीके से एग्जेम्पशन डिडक्शंस लेकर कोई फायदा उठाने वाले हैं अपने टैक्स लाइबिलिटी को कम करने का तो वो टैक्स प्लानिंग है, लेकिन अगर हम इलीगल तरीके से काम करके टैक्स को कम करने की कोशिश करेंगे तो वो टैक्स इवेजन का पार्ट बन जाएगा वेरी इजीली। क्लियर है पॉइंट? अब हम एक होमवर्क आपको दे रहे हैं, तो प्लीज़ इसके जो भी आपको आंसर्स नज़र आ रहे हैं कि इनमें से कौन सी चीज़ टैक्स इवेजन है, टैक्स अवॉइडेंस है कि टैक्स प्लानिंग है, इन सब चीज़ों के बारे में आपने मुझे अगर कमेंट बॉक्स में आंसर्स देने हैं तो दे सकते हो, नहीं तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको इसके आंसर्स मिल जाएंगे, आप वेरीफाई कर सकते हो। नहीं मिलते वहाँ पे तो मुझे मैसेज डायरेक्टली कर देना, आपको उसी समय उसके आंसर्स भी दे दिए जाएंगे जो आपको नीड है। इसके अलावा कोई नोट्स कमर सब्जेक्ट से रिगार्डिंग चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएंगे। नहीं मिलते मुझे मैसेज करिए, आई विल गिव यू द एज सुन एज पॉसिबल, ठीक है। अदरवाइज आप टेलीग्राम चैनल या मेरी वेबसाइट पे विजिट करके आसानी से वो नोट्स का लिंक ले सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, सारे कॉमर्स सब्जेक्ट्स के रिगार्डिंग नोट्स मैक्सिममली आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। जैसे कि अब ये आपके सामने जो पॉइंट्स हैं इनका स्क्रीनशॉट लेकर या इनके बारे में जो आपको नज़र आ रहा है कि ये टैक्स अवॉइडेंस है कि टैक्स इवेजन है कि टैक्स प्लानिंग है, प्लीज़ इसके बारे में एक बार तैयारी कर लीजिएगा, ये टॉपिक बहुत जल्दी और बहुत अच्छे से आपको रिवाइज हो जाएगा। तो टोटल 9 पॉइंट्स हैं आपके सामने, ठीक है जी, एक बार ध्यान से देख लीजिए, मैंने सारे के सारे 9 पॉइंट्स आपके सामने शो कर दिए हैं, तो ध्यान से करिएगा, अच्छे से करिएगा और प्रैक्टिस के लिए अपने आप करिएगा, ठीक है जी। तो दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर टुडे, ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये तीनों टॉपिक के बीच में अच्छे से डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। हो गया है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और साथ ही साथ जो बेल आइकन है ना वो दबा के जरूर जाइएगा, नोटिफिकेशन तभी आपको जल्दी मिलेगा नई वीडियोस का, क्योंकि आपके ज़रूरी आपके टॉपिक्स के रिगार्डिंग आपकी ज़रूरतों के रिगार्डिंग ही वीडियोज़ डाली जाती है, तो उसके लिए बेल आइकन दबाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है दोस्तों। और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, सपोर्ट हमें मिलता है जब बहुत सारे बच्चों तो वो लाइक वीडियो ज़्यादा मिलती है, ठीक है दोस्तों। थैंक यू सो मच, हैव अ वेरी नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।